अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। मौसम इस टाइम बहुत ही मज़े की ठंडी हवा चल रही है और रोज़ा खुलने में थोड़ा सा टाइम रह गया है, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों से थोड़ी सी गपशप कर ली जाए। और मेरे पीछे आपको बच्चा पार्टी नजर आ रही है फुल टाइम, जो है वो इंजॉय करिए। से हेलो माई यूट्यूब फैमिली। ये है जी हुदा अहमद और ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्ले करती हैं, और स्पेशली लॉन में जब हम होते हैं तो इसको होता है चले नना पुपो लेट्स प्ले। तो मौसम बहुत अच्छा हुआ था तो मैंने कहा क्यों ना आज आपसे शेयर करूं कि जी दरख्त पे इस टाइम लग गया है, क्या लगा हुआ है हमारे दरख्त पे? शतूत लगा हुआ है, शतूत जलेबा, और इतना मज़े का इतना मीठा। तो चलें जी मैं आपको दिखाती हूँ शतूत जलेबा जो है वो उसका पौधा, और बहुत खाना चाहिए। और स्पेशली इस शतूत जलेबा को अगर हम लोग डायरेक्टली दरख्त से उतार के खाएं तो वो बहुत ही मीठा होता है, इसलिए मेरे ख्याल से वॉश किए बगैर ही इसको खाना चाहिए ताकि इसकी मिठास जो है वो कम ना हो। और इस टाइम मैं जी शतूत जलेबा का जो ये दरख्त है उसके पास हूँ, और मैं आपको दिखाती हूँ कि बहुत मज़े के बहुत मीठे मीठे जो हैं वो शतूत लगे हुए हैं, और बच्चा पार्टी भी खाएगी मेरे साथ और फिर हम इंजॉय करेंगे। अच्छा जी ये देखें अब शतूत जो हैं बहुत ज़्यादा दरख्त के ऊपर लगे हुए हैं, और दिल कर रहा था कि फ़ौरन खा लूँ लेकिन क्योंकि रोज़ा था तो फिर मैंने कहा चलें जी तोड़ लेती हूँ और उसके बाद खाऊंगी। और ये देखें माशाल्लाह सुबहान अल्लाह के जितने शतूत पक गए हुए हैं ना, और वो इतने मीठे होते हैं ना, और स्पेशली जो लॉन में से गुजर रहा होता है उसकी कोशिश होती है कि जो उसको पका हुआ शतूत नज़र आए वो फ़ौरन खा ले। और इस टाइम मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और इतनी वो खुशबू आती है ना जब हवा चल रही होती है मिट्टी की, तो मैंने कहा चलें जी आज आपसे भी मैं ज़रा शेयर कर लूँ कि जो मौसम आता है उस मौसम की मुनासिबत से फिर फ्रूट वगैरह या कोई भी सब्ज़ी वगैरह जो है वो लग जाती है लॉन में। और ये बहुत ही पके हुए शतूत जो है मैं आपको ज़रा जूम करके दिखा रही हूँ, क्योंकि जितना शतूत पका होता है उतना ही ज़्यादा ये मीठा होता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और मैंने बस यही मैंने कहा चले आज थोड़ी सी चिट चैट भी कर ली जाए, और शतूत जो है वो जो फल आए उसको मौसम की मुनासिबत से हमें ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि स्किन जो है हमारी इससे ग्लो होती है। और मैं फिर जी शतूत को तोड़ने के लिए मैंने कहा क्या करूं, फिर एक मेरे पास पड़ी हुई थी जी चेयर, मैं उसके ऊपर चढ़ के और मैंने फिर स्पेशली शतूत को तोड़ने की कोशिश की, और आखिर मैं शतूत को तोड़ने में कामयाब हो गई। और ये देखें मैं अब शतूत को ज़रा कोशिश करूँ, क्योंकि स्पेशली डायरेक्टली आप जो दरख्त से तोड़ के फल खाते हैं ना उसको खाने का एक अलग ही मज़ा होता है, और दिल करता है वो किसी को आप ना दें। और ये देखें कितना ही बहुत ही मीठा किस्म का शतूत था। और इसके अलावा जी आज हम किचन में क्या बना रहे हैं वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। सो अब चलते हैं किचन की तरफ जी। ये है जी लज़ानिया, और इसकी आप देखें कितनी खूबसूरत और मज़े का ये लज़ानिया बना था, तो मैं आपसे इसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ। लज़ानिया बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए उसमें है जी ऑरिगेनो पाउडर, इसमें मोज़रेला चीज़ है, इसमें हम ब्लूबर्न बटर यूज़ करेंगे, अल्पर दूध और रेड कुटी हुई मिर्च यूज़ करेंगे, मैदा यूज़ करेंगे और ब्लैक पेपर यूज़ करेंगे। तो आप लोगों ने पूरी वीडियो को वॉच करना, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बना था लज़ानिया और मैंने 2 दिन खाया है इसको। तो आपने वीडियो को लाइक करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ डू सब्सक्राइब माय चैनल, और इसके अलावा आपने कमेंट भी करना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो लज़ानिया बनाने के लिए सबसे पहले हमने लेयर्स में जो कीमा लगाना है वो नॉर्मल जिस तरह हम लोग कीमा बनाते हैं, आपको अगर स्पाइसी बनाना है आप लोग स्पाइसी बना लें, अगर आपको माइल्ड बनाना है तो आप लोग माइल्ड भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले कीमा जो था वो उसको रेडी कर लिया लेयर्स में फिल करने के लिए। देन एक पैन में बटर हम लोग डालेंगे, और बटर जो है उसकी बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी। उसके बाद हम इसमें फ़ौरन ऐड कर देंगे मैदा, और आपने मैदे की जो है वो बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करनी है ताकि उसकी जो कच्चेपन की खुशबू है वो ना आए। तो ये अच्छे तरीके से जो मैदा था वो भुनाई कर ली। उसके बाद इसमें 2 कप जो है हम लोग इसके बाद हम लोगों ने 2 कप जो है अल्पर मिल्क जो है वो ऐड करना है, और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको बीट करना है, क्योंकि जितना आप अच्छा बीट करेंगे उतना जो है ये लज़ानिया की सॉस अच्छी बनेगी। और जैसे जैसे हम इसको बीट करते जाएंगे ये इसका टेक्सचर जो है आपको नज़र आ रहा होगा कि थिक होना स्टार्ट हो गया, तो आपने इसको इतना बीट करना है कि ये
थिक हो जाए और आपने इसको बहुत लो फ्लेम पे बनाना है। इसके बाद इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर लें, रेड कुटी हुई मिर्च जो है वो ऐड कर ली और बहुत ही मज़े की खुशबू आना स्टार्ट हो गई थी लाजानिया की सॉस बनाने जो बना रहे हैं इसमें से। और इसको भी अच्छे तरीके से आपने बीटर से जो है वो मिक्स कर लें और ये बहुत ही मज़े की थिक सॉस जो है वो रेडी हमारी हो रही है। आप इसको बहुत स्लो फ्लेम पे ही बनाएंगे ताकि ये जले ना। आप देखिए इसका टेक्सचर भी थिक होना स्टार्ट हो गया और मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर रही थी। देन इसमें मैंने ऐड कर दिया था जी मोज़रेला चीज़ जो है एडम की, मैंने वो इसमें ऐड की है। और आप थोड़ी सी चीज़ जो है वो गार्निशिंग के लिए भी सेपरेट रख दें। और चीज़ ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है और जो जो चीज़ आप मिक्स करेंगे उसकी खुशबू बहुत आना स्टार्ट हो जाएगी। और ये मैंने थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए भी सेपरेट रख ली थी चीज़। अब आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर जो है वो थिक हो चुका है। और एक और पैन लेके उसमें जो लाजानिया है उसको मैंने बॉईल किया थोड़ा सा सॉल्ट डाल के और गर्म पानी में। इसमें आपने इसको बॉईल करना है और जब ये बॉईल हो जाए देन आपने इसको फौरन ठंडे पानी के नीचे रख देना है ताकि ये लेयर्स जो हैं लाजानिया की आपस में चिपके मत, ठीक है। और ये फिर मैंने एक क्या किया जी, एक सिजलिंग ट्रे ली, तो क्योंकि सिजलिंग ट्रे जो है बहुत गर्म होती है और इसमें खाना बहुत मज़े का और आपको फील होता है। आपने क्या करना है, ये अब मैंने लेयर्स ली लजानिया की, उसके ऊपर मैंने कीमा लगाया, जो सॉस बनाई हुई थी वो मैंने ऐड कर दी। और इसी तरह आपने इसकी लेयर्स बनाते जाना है और सिजलिंग ट्रे में आप देख सकते हैं। और ये कितनी मज़े का लजानिया हमारा रेडी हो चुका है, आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है। थैंक्स फॉर